ये वीडियो खाली बैंड 8 लर्नर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो 6.5 बैंड लर्नर्स और जिन्हें बैंड 7 चाहिए राइटिंग में उनके लिए भी है। सिंस दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द थिंग, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये हो रहा है। तो आप भी यूज कर रहे हो ग्रामर, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी बैंड 6.5 आएंगे। और अगर ये नहीं है, सिंपल एक शॉर्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो, वो आप बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख दो। तो देखो, इंट्रोडक्शन में अराउंड 50 to 60 वर्ड्स होने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 100 to 110 वर्ड्स, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी सेम नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कंक्लूजन में 30 to 40 वर्ड्स। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है एसे स्ट्रक्चर फॉर बैंड 8, सो मुझे पता है बहुत सारे लर्नर्स जो कि बैंड 6.5 और 7 का एम कर रहे हैं, वो वीडियो को क्विट करने वाले हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि मत करना, क्योंकि ये वीडियो खाली बैंड 8 लर्नर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो 6.5 बैंड लर्नर्स और जिन्हें बैंड 7 चाहिए राइटिंग में उनके लिए भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बैंड 8 वाले जो लर्नर्स है वो अलग से नहीं बने हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ अलग से नहीं हुई है, वो सारे यहीं से पढ़ते हैं, उनको यही चीजें सिखाई जाती है, सबको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बट हर एक लर्नर जितना टीचर पढ़ाती है, कोई लर्नर 70% अडॉप्ट करता है, कोई 60% करता है, कोई 100% करता है, कोई 90% करता है। अब जो 90% या 100% कर लेते हैं वो बैंड 8 ले आते हैं, जो 70% करते हैं वो बैंड 7 ले आते हैं, या 80% करते हैं, जो 60% करते हैं वो बैंड 6.5 पे रह जाते हैं। तो अगर आप भी ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आप अपना राइटिंग एग्जाम क्लियर कर पाओगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा जब भी ऐसे राइटिंग करनी होती है तो आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये 40 मिनट्स को इस तरीके से ब्रेकअप करो कि प्लानिंग करो फर्स्ट 7 मिनट्स में, और उसके बाद राइट करो ऐसे और प्रूफ चेक करो साइमल्टेनियसली। जब आप एक ऐसे को लिखते हो तो उसको लिखते लिखते ही साथ में ही प्रूफ चेकिंग करो। ये मत करो कि अब पूरा ऐसे लिख लिया एंड में प्रूफ चेक करना है, वो गलत चीज होगी। पैराग्राफ वाइज प्रूफ चेकिंग करो, इंट्रोडक्शन लिख लिया, प्रीवियस सेंटेंस लिखा तो वो पढ़ो एक बार, फिर नेक्स्ट लिखो, या फिर पूरा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक बार इंट्रोडक्शन चेक कर लो, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 चेक करो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी स्कोरिंग काफी बेटर होगी। अगर आपकी कोई गलती हुई भी होगी टास्क रिस्पॉन्स या कोहेरेंस में तो वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि आपने साथ के साथ चेक करा है और आप करेक्ट कर पाओगे उस चीज को। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करते हो ऐसे को तो आपका टास्क रिस्पॉन्स कभी भी गलत नहीं होगा। टास्क रिस्पॉन्स होता है क्वेश्चन को ध्यान से समझना और जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड है उसी डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर करना, मतलब कि आपके आइडियाज वीक नहीं होंगे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, और आपकी कोहरेंस भी ठीक होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बैंड 6.5 के लिए। अब जिन भी लर्नर्स को 6.5 चाहिए तो वो प्लानिंग बिल्कुल नहीं स्किप करें, टास्क रिस्पॉन्स और कोहरेंस आपको इंप्रूव होगा, बैंड 6.5 आएंगे, और आपको ये चीज जरूर करनी है। बैंड 7 के लिए आपने कनेक्टर्स पे फोकस करना है, मेरे बैंड्स ब्रू वाले कनेक्टर्स पे फोकस करना, और बैंड 8 के लिए पिक्स मेथड वाली वीडियो पे फोकस करना है। अब वो वीडियोस तो आप जरूर ध्यान से देख लेना, मैं दोनों वीडियोस का लिंक अब आप शेयर कर दूंगी, बैंड्स ब्रू का भी पिक्स का भी। ये वीडियो एंड होने के बाद जरूर देखना वो, बट इस वीडियो में एंड तक बने रहो, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये सेम स्ट्रक्चर को कैसे आप यूज करोगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को। इसमें राइट करना है, प्रूफ चेक करना है साइमल्टेनियसली इन 33 मिनट्स एंड 7 मिनट्स। आपको टाइम लिमिट का पता चल गया। वर्ड्स की अगर बात करें तो वर्ड काउंट मैं रेकमेंड करूंगी 250 टू 320 वर्ड्स के बिटवीन करो। अगर 5 पैराग्राफ्स बन रहे हैं तो 320 तक जा सकते हैं। अगर 4 पैराग्राफ्स हैं आई वुड सजेस्ट 280 वर्ड्स 285 वर्ड्स, बिल्कुल परफेक्ट एक रेशियो है, ये आप यूज करो। सबसे पहले आता है टास्क रिस्पॉन्स, देन कोहेरेंस एंड कोहेजन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्सेस। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब है क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और जो आइडिया पूछा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वही चीज बॉडी पैराग्राफ 1 में एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखें। कोहरेंस का मतलब है कि जो भी चीज लिख रहे हो वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर आइडियाज को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना, और कोशिश करना कि बॉडी पैराग्राफ्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो, ठीक है। कोहेजन का मतलब है कनेक्टर्स यूज करना, और इसके लिए आप बैंड्स ब्रू वाला मेथड यूज कर सकते हो जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जिन्हें भी नहीं पता वो वीडियो जरूर देखना, बट कुछ चीजें बैंड्स ब्रू की मैं इस वीडियो में बताने।
देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जितना भी यूज कर रहे हो ग्रामर वो एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी बैंड 6.5 आएंगे। और अगर वेराइटी यूज करोगे, पैसिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल कंपेरेटिव सेंटेंस, तो ग्रामेटिकल रेंज आपकी इंप्रूव होने वाली है। देन वी हैव लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं वोकैबुलरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंड 7 अबव के लिए। और आपने कोशिश करनी है कि सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, उनके सिनोनिम्स यूज करने हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट इन स्कोरिंग वेल। अब आ जाते हैं बात पे बैंड्स ब्रू एंड पिक्स की, बट बिफोर दैट जो ये चीज मैंने बताई है असेसमेंट क्राइटेरिया वाली, अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हो तो इसके लिए एक वीडियो है जिसमें मैंने राइटिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर्स को पूरा ब्रेकअप करके हर एक चीज को डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं जरूर शेयर कर दूंगी आपके साथ। आगे आते हैं हम बैंड्स ब्रू एंड पिक्स पे। बैंड्स ब्रू है कनेक्टर्स के लिए यूज होता है। बी इज फॉर बिसाइड्स दिस, ए इज फॉर ऑल दो एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, डी डिस्पाइट, एस सिंस, बी बिकॉज ऑफ, आर रादर देन, ई इधर और, एंड डब्ल्यू व्हाइल वेयर एस। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो रही है तो आप इसी सेम वीडियो को 0.75x पे देख सकते हो, इससे आप नोट्स बना पाओगे साइमल्टेनियसली। देन वी हैव पिक्स मेथड। पिक्स मेथड होता है वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करने के लिए एक रूल जो आपको याद रहता है, पैसिव, इंटेरोगेटिव, कंडीशनल या डबल कंपेरेटिव एंड सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस भी जरूरी है, चाहे आपका बैंड 8 का टारगेट है तब भी कोशिश करो कि एक सिंपल सेंटेंस ऐड कर। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसे पैराफ्रेज कर लो पैसिव वॉइस में, या फिर स्टार्ट करो जेरंड से एंड देन राइट इन अ सिंगल सेंटेंस व्हाट एवर द क्वेश्चन डिमांड्स। ओके, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वही लिखो। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट को अपने खुद के वर्ड्स में लिखो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग बट विद डिफरेंट सिनोनिम्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जेरंड्स यूज कर सकते हैं ना, वेराइटी चेंज कर रहे हैं उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सो इधर वी कैन स्टार्ट विद जेरंड और वी कैन स्टार्ट और विद द पैसिव वॉइस। तो इस चीज का ध्यान रखना कैसे करना है, अब ये समझो। पैसिव पैराफ्रेजिंग स्टार्टिंग लाइन में आपने बस ऐसे करनी है, जब भी इंट्रोडक्शन आ जाए आप सबसे पहले ये लिखो, इट इज बिलीव्ड बाय, इट इज कॉन्कर्ड बाय, अगर क्वेश्चन में मैनी है तो मैनी लिखो, और आप मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स लिखो। मैनी भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो आप मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, या फिर आप मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेस अगर मैनी है क्वेश्चन में, ठीक है, मैनी की जगह उसे सिनोनिम यूज करो, राइट, मैनी पीपल अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेस, ठीक है, कुछ ऐसा। एंड इफ सम, अगर सम या सम पीपल की बात हुई है तो आप लिखोगे आ फ्यू इंडिविजुअल्स, अ फ्यू इंडिविजुअल्स। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सिंपली आप मैनी लिख सकते हो, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, जब भी इंट्रोडक्शन आ जाए बस सिंपली ऐसे स्टार्ट कर दो, इट इज कॉन्कर्ड बाय मेनी डैट, जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसे पैराफ्रेज कर दो, वो पैराफ्रेजिंग भी जनरल से स्टार्ट कर सकते हो, इट इज कॉन्कर्ड बाय मेनी डैट पार्टिसिपेटिंग इन इलिसिट एक्टिविटीज नॉट ओनली लीड्स टू, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आप करोगे, पार्टिसिपेटिंग इन इलिसिट एक्टिविटीज, ठीक है, लीड्स टू हाई इम्प्रिजनमेंट और लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, ऐसा कुछ लिख सकते हो। इट इज कॉन्कर्ड बाय मेनी डैट पार्टिसिपेटिंग इन इलिसिट एक्टिविटीज लीड्स टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, आपने ये लिख दिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब जब भी इंट्रोडक्शन लिखनी है, हाउएवर देयर आर सॉल्यूशंस और देयर आर सम मेजर्स विच कैन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन में हाउएवर यूज जरूर कर लो, या तो व्हाइल वेयर एज या हाउएवर, यू कैन ऑल्सो यूज डिस्पाइट एज वेल। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आपको हर एक कनेक्टर, हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है इंट्रोडक्शन में हाउएवर व्हाइल वेयर एज यूज करना है तो सेम वे से यूज होता है, हाउएवर दो सेंटेंसेस के बीच में यूज होता है। और जब आप यूज करोगे, लेट्स से पार्टिसिपेटिंग इन इलिसिट एक्टिविटीज, ठीक है, लीड्स टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद आप लिखोगे हाउएवर कॉमा सम मेजर्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम।
तो कुछ आप ऐसा लिख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऐसे आ जाए आप इजीली हाउएवर यूज कर सकते हो, बट अगर यही आपका 100% एग्री और डिसएग्री ऐसे है, तो वहां पे आप हाउएवर यूज नहीं करोगे, वहां पे या तो आप यूज करोगे एंड यूज कर लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज यूज कर सकते हो, इस तरीके के कनेक्टर्स यूज कर सकते हो, बिकॉज वहां दो चीजों की बातें कर रहे हो, वहां पे आप कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे आपने यूज करना है। और अभी मैं जो भी चीजें ये आपको बता रही हूँ ना, ये सेम थिंग को मैं इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगी ऐसे स्ट्रक्चर में। 29 जुलाई का जो एग्जाम क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक वीडियो शूट करी है, जो कि आपको जल्दी ही मिल जाएगी या मिल चुकी होगी इनफैक्ट अभी तक। तो उसी वाले क्वेश्चन को फुल ऐसे में आपको लिख के दिखाने वाली हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में। हमेशा इतना ध्यान रखना, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें सिंगल आइडिया लिखना चाहिए या टू आइडियाज लिखने चाहिए एक बॉडी पैराग्राफ में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मैक्सिमम टू आइडियाज होने चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि सिंगल आइडिया ही है, तो उसे इतना अच्छे से इलेबोरेट करो कि आपके 100 to 110 वर्ड्स इजिली हो जाए बॉडी पैराग्राफ में, ठीक है। सो देखो, इंट्रोडक्शन में अराउंड 50 to 60 वर्ड्स होने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 100 to 110 वर्ड्स, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी सेम नंबर ऑफ वर्ड्स, एंड कंक्लूजन में 30 to 40 वर्ड्स, मोर देन इनफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो करो, पहले आइडिया दो, फिर आइडिया को एक्सप्लेन करो, उसे इलेबोरेट करो, एग्जाम्पल दो और कंक्लूड करो। दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो फॉर बॉडी पैराग्राफ 1 एज वेल एज बॉडी पैराग्राफ। जब भी आपके पास ओपिनियन या डिस्कशन ऐसे आ जाता है और वहां पे आपके पास बहुत सारे आइडियाज नहीं आ रहे, तो आप सिंगल आइडिया भी लिख सकते हो बॉडी पैराग्राफ 1 में। और कैसे सिंगल आइडिया को इलेबोरेट करना है वो मैं आपको 29 जुलाई वाला जो सॉल्व आंसर वाली वीडियो है उसमें बताने वाली हूँ। मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊंगी लाइव। गाइज, जिन्हें लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगी हैव पेशेंस और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंड में मैं आपको एक ऐसे इवैल्यूएशन वाला गिव अवे देने वाली हूँ। सो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, इट विल हेल्प यू गाइज अलॉट अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो। नाउ एक्सप्लेन करो, आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है, या तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप स्टार्ट इस तरीके से करो, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट मेजर इज कि आप स्टार्ट कर दो द अंडरलाइंग रीजन एट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रेंड इज, इस तरीके से आप एक रीजन बता सकते हो, ठीक है। द अंडरलाइंग रीजन एट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रेंड इज, या फिर आप बता सकते हो सिंस दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज अकरिंग, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, तो आप सिंस वाला स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो, नहीं तो अंडरलाइंग वाला स्ट्रक्चर यूज कर लो, ऑलरेडी हमने काफी स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, तो स्टार्ट करो इस तरीके से। जब आपने उसी आइडिया को एक्सप्लेन करना है, तो यूज करो नॉट ओनली बट ऑल्सो बॉडी पैराग्राफ 1 में। सो दैट मीन्स जो आप बॉडी पैराग्राफ 1 में कनेक्टर्स यूज कर रहे हो, वो आपके ये वाले कनेक्टर्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, फर्दर मोर, फर्स्ट कंडीशनल एंड डबल कंपेरेटिव। अब इसके बाद आप इसी को इलेबोरेट कर रहे हो, तो फर्दर मोर लिख के आप इलेबोरेट करोगे, दैट मीन्स आप बस यही कनेक्टर्स यूज कर रहे हो और कुछ नहीं यूज कर रहे हो। अगर आपको याद ही हो जाएगा कि मैंने कौन कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कि आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। उसके बाद फर्दर मोर के बाद उसे इलेबोरेट कर दो, फर्दर मोर दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, कुछ ऐसा। देन फर्स्ट कंडीशनल के बेसिस पे एग्जाम्पल दे दो, इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द सेम, द सिटीजन्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलीगल एक्टिविटीज। अगर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, द सिटीजन्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलीगल एक्टिविटीज और विल नॉट पार्टिसिपेट इन क्राइम्स, ठीक है, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसा लिख सकते हो। लास्ट में द मोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द मोर द असिस्टेंस, इन्वॉल्वमेंट असिस्टेंस, द मोर द असिस्टेंस बाय द गवर्निंग अथॉरिटीज, ठीक है, इस तरीके से बस लिखो, द मोर द असिस्टेंस बाय द गवर्निंग अथॉरिटीज। और इसके बाद आगे क्या करोगे,
द लेसर द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। बस ये होता है हमारा डबल कंपैरेटिव सेंटेंस। द मोर द असिस्टेंस बाय द गवर्निंग अथॉरिटीज और द मोर द असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट द लेसर द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। द लेस द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स और द लेसर द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, दिस इज डबल कंपैरेटिव सेंटेंस। सो बस बॉडी पैराग्राफ में आपने यही कनेक्टर्स यूज करने, इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं यही सेम स्ट्रक्चर यूज करके एक ऐसे आपको लिख के दिखाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी वो सैंपल आंसर आपके पास आएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। नाउ कमिंग टू बॉडी पैराग्राफ टू। अब जो कनेक्टर्स हमने बॉडी पैराग्राफ वन में यूज करे वो सेम हम बॉडी पैराग्राफ टू में बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। एंड यस, मैक्सिमम टू आइडियाज इन वन बॉडी पैराग्राफ, बट अगर ओपिनियन एंड डिस्कशन ऐसे है और आपको लग रहा है यू डू नॉट हैव मेनी आइडियाज, यू कैन सिंपली राइट वन आइडिया और उसको इलेबोरेट कर सकते हो। सेम थिंग रहेगी, आइडिया लो, एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो, एग्जाम्पल दो और कंक्लूड करो। पैराग्राफ को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने क्या करना है, हमेशा स्टार्ट करो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। जब भी बॉडी पैराग्राफ टू लिख रहे हो स्टार्ट करो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो जो मैंने आपको पिक्स मेथड बताया है वो पिक्स मेथड का मतलब क्या है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, कुछ डिफरेंशिएट हो पाए। पिक्स मेथड का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस यूज करो, वो हमने इंट्रोडक्शन में यूज कर लिया, कट हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करो, वो हमने कहाँ यूज कर लिया, वो हमने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बॉडी पैराग्राफ टू में, तो ये भी हो गया। कंडीशनल या डबल कंपैरेटिव यूज करो, ऑलरेडी बॉडी पैराग्राफ वन में यूज कर चुके हैं तो ये भी हो गया। लास्ट इज सिंपल सेंटेंस, तो हम एक सिंपल सेंटेंस लिखने वाले हैं यहाँ पे। Therefore, this is the major reason. हम एक शॉर्ट सेंटेंस, जरूरी नहीं है सिंपल, एक शॉर्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो, वो आप बॉडी पैराग्राफ टू में लिख दो। That's it. ये है वेराइटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमारे पास होने चाहिए। जब ये होगा आपके एस्से में तो ऐसे आपका ज्यादा वर्सेटाइल लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि दिस स्टूडेंट हैज नॉलेज, है ना, और दिस स्टूडेंट कैन इजिली परफॉर्म, कैन इजिली अटेम्प्ट द एसे विद ऑल द स्ट्रक्चर्स। सो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन बैंड एट एसे, इसीलिए हम ये वैरायटी यूज करते हैं। बट अगर आपको बैंड 7 से कम चाहिए, 6.5 चाहिए, तो अगर आप स्किप भी कर दोगे दो तीन चीजें तो भी आपके बैंड 6.5 आ जाएंगे, डोंट वरी। बस इतना ध्यान देना 6.5 चाहिए तो टास्क रिस्पॉन्स बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, आपके आइडियाज प्रॉपर होने चाहिए। एज वेल एज आइडियाज के अलावा आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी आप ग्रामर यूज करो वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो ही यूज करो जिसकी 100% नॉलेज है। नाउ यहाँ पे क्या करना है, पहले आइडिया स्टार्ट करोगे, स्टार्ट विद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज देयर एनी अदर रीजन बिहाइंड दिस, सर्टेनली देयर इज, हमेशा इस तरीके से स्टार्ट करो। इज देयर एनी अदर रीजन बिहाइंड दिस और क्वेश्चन मार्क करके उसको खुद आंसर करो, सर्टेनली देयर इज, और अगर है बहुत सारी रीजन है तो देयर आर। फिर आइडिया दो, उसे एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन करते वक्त जब आपने आइडिया दे दिया, प्राइमरली से स्टार्ट करो। यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। What I usually do, I always start this with primarily, ठीक है, और वहां पे अपना आइडिया बता दिया primarily की हेल्प से, ठीक है। सो दैट्स वॉट यू नीड टू डू, और फिर आगे आइडिया दे दो। अब यहाँ primarily के बाद आप एक सिंपल सेंटेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। primarily this is happening because of this, और दिस इज हैपनिंग ड्यू टू दिस, दिस इज हैपनिंग, जो आपको लग रहा है, एक शॉर्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस आप लिख दो। इसके बाद इसे आप एक्सप्लेन करो रादर देन, ठीक है, रादर देन हेल्पिंग। अब रादर देन के बाद आपका कभी भी कॉमा नहीं आता, जब पूरा सेंटेंस का पार्ट हो जाता है, फर्स्ट क्लॉज ओवर हो जाता है,
तब कॉमा आता है। इसके लिए आप बैंड ग्रुप वाली वीडियो देखोगे तो यही कनेक्टर्स बस वाले स्ट्रक्चर देख लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको खाली बैंड 7 तक चाहिए, बैंड 6.5 तक चाहिए, बैंड 7 चाहिए, तो अगर आप बैंड ग्रुप भी अच्छी तरह देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको बैंड 7 अबव का टारगेट है तो पिक्स मेथड वाली वीडियो जरूर देखना। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी बैंड 7 भी चाहिए तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, पिक्स मेथड वाली देख लेना, क्या पता आपके बैंड 7.5 आ जाए, जो कि बहुत सारे लर्नर्स के आए हैं। अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो ये पिक्स मेथड और बैंड ग्रो मेथड यूज करके पिछले 2 इयर्स में मेरे पास टोटल 645 लर्नर्स के तो कमेंट्स आए हैं। तो आप ये सोचो जिन्होंने ये यूज करा और उनके रिजल्ट आए हैं, तो ये तो कमेंट्स आए हैं, और कमेंट्स बहुत रेयरली स्टूडेंट्स करते हैं, रिजल्ट आने के बाद बताते भी नहीं है। बट ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, अगर आप किसी की कोचिंग लेते हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो उसे इन्फॉर्म जरूर करो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। उस टीचर को भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है और उससे हेल्प मिलती है और वो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा कॉन्टेंट और आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन में आओ, रादर देन सेंटेंस यूज करो, देन इसी सेंटेंस को आगे इलेबोरेट करना है तो बिसाइड्स दिस इसको इलेबोरेट कर दो, या फिर सेकंड रीजन दे सकते हो यहाँ पे। अगर आपने सेकंड रीजन देनी है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर एक ही रीजन देनी है तो वहां इलेबोरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी फर्दर मोर में जाके अगर आप चाहो तो सेकंड रीजन दे सकते हो। फर्दर मोर की जगह आप अपार्ट फ्रॉम दिस यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने 2 रीजन देनी है तो, अदरवाइज आप फर्दर मोर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल का जरूर ध्यान देना, कभी भी आर्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल्स। पहले हम आर्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल्स ही देते थे जब तक ब्रिटिश काउंसिल भी था, बट अभी थोड़ा सा कुछ चेंजेस आए हैं एग्जाम पैटर्न में कि आप कोशिश करो आर्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल्स ना दो। अगर आपने एग्जाम्पल देने हैं तो या तो कंडीशनल सेंटेंस वाला एग्जाम्पल दे दो, जो कि मैंने पहले बताया है कैसे लिखना है, डाटा है वो ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इफ वाला जो सेंटेंस बताया था आपको, वो वाला सेम सेंटेंस वैसा यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट। ठीक है, द मैक्सिमम द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव इन स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रेवल रादर देन ऑन बाइंग हाउसेज और परचेजिंग एसेट्स। ठीक है, सो कुछ ऐसा आप कर सकते हो, ये लिख सकते हो, ये आपने इस तरीके का एग्जाम्पल देना है। लास्ट में कंक्लूड करो, देयरफॉर दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस। बस अगर आप ये लिख देते हो तो भी आपका कंक्लूड हो गया। फर्स्ट में डबल कंपैरेटिव से कंक्लूड करो, सेकंड में इस तरीके से करो। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि एग्जाम्पल ये दोनों, वैसे तो बेस्ट इज लाइक फर्स्ट कंडीशनल वाला एग्जाम्पल दो आप बॉडी पैराग्राफ 1 में, फर्स्ट कंडीशनल के बेसिस पे एग्जांपल दे दो, एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स डैट वाला एग्जांपल दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो हमने करा है ना, इसके बेसिस पे भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर यूज हो गया है। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आर्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देने हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन जो है ना सबसे सिंप्लीफाइड थिंग है, और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, इन कंक्लूजन टू कंक्लूड ऑल दो। ये ऑल दो वाला स्ट्रक्चर इजीली हर एक एसे में यूज हो जाता है एक्सेप्ट 100% एग्री और डिसएग्री। बस जब आपका 100% एग्री और डिसएग्री आ जाता है ना, वहां पे आप एज वेल एज यूज करोगे, क्योंकि आप नॉट ओनली बट ऑल्सो पहले यूज कर चुके हो, तो अब आप एज वेल एज यूज करोगे, क्योंकि वहां पे 2 रीजन ही बताए हैं हमने, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करके नहीं बताया। और ये सब मैं आपको सिखाऊंगी कैसे, ये मैंने ऑलरेडी आपको मेरी बैंड ग्रू और पिक्स मेथड वाली वीडियो में तो बताया ही है, बट वो जो मैं फुल एसे लिख के दिखाऊंगी उसमें भी बताऊंगी। सो ऑल दो वाला स्ट्रक्चर होता क्या है, ध्यान से समझो, ऑल दो आई हैव, ठीक है, ऑल दो आई एम लीविंग फॉर शिरडी इन अनदर आवर। ठीक है, ऑल दो आई एम लीविंग फॉर शिरडी इन अनदर 1 आवर आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू हेल्प ऑल माई लर्नर्स आउट देयर। सो हालांकि मेरी ट्रेन है शिरडी की, ठीक है, 1 घंटे में, फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपके लिए अभी, क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिले। सो ये होता है ऑल दो वाला स्ट्रक्चर। ऑल दो का मतलब होता है हिंदी में हालांकि। ठीक है, नाउ 100% एग्री और डिसएग्री के लिए आप बस सिंपली ऐसे लिखोगे, इन कंक्लूजन दिस ट्रेंड
अब नॉट ओनली नहीं आएगा, हैज बेनिफिटेड मैनकाइंड एज वेल एज द गवर्नमेंट। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो 100% एग्री डिसएग्री में, बाकी के सारे ऐसे टाइप्स में फॉल को यूज करोगे। ठीक है, बस यही चीज आपने फॉलो करनी है और आपको मुझे पता है काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। जिन्होंने ध्यान से नहीं देखी, दोबारा से देखो, इसके नोट्स बनाओ और हर एक ऐसे को बस इसी तरीके से यूज करो। आप जब इसे यूज कर लोगे तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए ना जो आपका ऐसे चेक करके आपको बताए। तो 26 अगस्त को मैं एक ऐसी वो सेशन लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं क्या करूंगी, बेसिकली उस सेशन की हेल्प से मैं 25 लर्नर्स के ऐसे चेक करूंगी। सो लाइव ऐसे करेक्शन करूंगी मैं, एंड आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड बैंडेड इन राइटिंग। सो मैं ऐसे करेक्शन करके बताऊंगी कि आपका टास्क रिस्पॉन्स वीक है, कोहेरेंस वीक है, या फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज वीक है, जीआरए वीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो ये वेबिनार मैं प्लान कर रही हूँ 26 अगस्त के लिए, विच इज सैटरडे, आई बिलीव सैटरडे ही है, तो 26 अगस्त को। एंड 26 अगस्त के लिए मैं प्लान कर रही हूँ और इसमें 25 लर्नर्स को हेल्प मिलेगी। जितने से जितने ज्यादा लर्नर्स इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से कांटेक्ट करो, आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा होगा। सो द मोर द नंबर ऑफ इंक्वायरीज है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ प्लान करेंगे। हो सकता है हम एक और सेशन भी आगे प्लान करें इसका। ठीक है, सो यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट अस। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग गाइज, ये जो है सर्विस ये पेड रहेगी, इसके लिए जो चार्जेस है वो ओनली 100 रुपीज है। पेड रखने का बस एक ही मतलब है, क्योंकि जब भी हमने फ्री वेबिनार्स करे तो लर्नर्स जो है उसे सीरियसली नहीं लेते, कोई हाफ टाइम में चला जाता है या फिर कोई सीरियसली नहीं लेता। इसीलिए वी वॉन्ट द लर्नर्स टू बी सिंसियर, टू बी सीरियस फॉर द सेम, एंड वी वॉन्ट देम टू कम। अदरवाइज जो फ्री वेबिनार्स होते हैं वो बोल देते हैं और आते नहीं है, बाद में अटेंडेंस शॉर्ट होती है। डेट्स वाई बहुत ही नॉमिनल फी रखी है। अदरवाइज ऐसे करेक्शन के चार्जेस मिनिमम 1000 रुपीज पर ऐसे होते हैं। अगर आप कहीं पे भी ऑथेंटिक ऐसे करेक्शन सर्विस लोगे तो लाइव वन ऑन वन लेने वाले हो तो। सो प्लीज इफ यू आर इंटरेस्टेड आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट ये चीज ध्यान रखना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करेगा उसे ही मिलेगा, और इसके लिए ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन जो होगा वो भी आपको व्हाट्सएप करके ही मिल जाएगा टीम से। वो ही सेम क्वेश्चन के ऊपर आपने ऐसे लिखना है यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप में से काफी लर्नर्स को हेल्प करेगी, और मेरा तो बहुत टाइम लगा है ये वीडियो बनाने में। मैं ये चाहूंगी कि आप बस एक इतना जेस्चर जरूर करो कि मेरी गुरु दक्षिणा के लिए आप ये सेम वीडियो को 2 लर्नर्स के लिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही बहुत सारे लर्नर्स के साथ, 10 लर्नर्स के साथ, आप खाली 2 स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करो जो कि मुझे पता है कि आपके सर्कल में कोई ना कोई होगा। और अगर ये वीडियो आपको लगे कि ये आपको हेल्प नहीं कर रही है तो भी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इस चीज को यूज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब।